साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री ज्ञान में। दोस्तों, आज हमारा पहला एपिसोड है, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह चैनल क्यों शुरू किया। मुझे खेती करते हुए 24 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और इस सफ़र में मैंने पाया कि मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान जानकारी के अभाव से हुआ है। यही कारण है इस चैनल की शुरुआत का। मैं चाहता हूँ कि अपने किसान साथियों की नई पीढ़ी के साथ अपने अनुभव और जानकारी साझा करूँ ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। आशा है आप लोग मेरे इस प्रयास का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टमाटर की एक बड़ी समस्या की, जो किसानों के नुकसान का एक बड़ा कारण है। यह समस्या है टूटा एब्सोल्यूटा। टूटा एब्सोल्यूटा दक्षिणी अमेरिका में पेरू में उत्पन्न हुआ। 2006 में यह स्पेन में पहली बार आया, 2009 में टर्की में पहली बार देखा गया और 2016 में भारत में इसने अपने कदम रखे। टूटा एब्सोल्यूटा कई प्रकार के लीफ माइनर्स में से एक है। बाकी लीफ माइनर्स के मुकाबले पत्ती पर इसका निशान मोटा और थक्के जैसा होता है। इसके दूसरे नाम साउथ अमेरिकन टोमेटो लीफ माइनर और लेपिडोप्टेरा हैं। कुछ लीफ माइनर जैसे कि अमेरिकन सरपेंटाइन लीफ माइनर सिर्फ पत्तों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, पर टूटा एब्सोल्यूटा पत्तों के साथ साथ फलों और तने पर भी नुकसान पहुँचाता है। अगर सही से रोकथाम ना हो तो यह पूरी फसल को भी बर्बाद कर सकता है। वैसे तो इसकी मक्खी की उड़ान 100 किलोमीटर तक हो सकती है, पर यह ज़्यादातर फलों के साथ ही फैलता है। इसका जीवन चक्र 23 से 32 दिन तक होता है, जो कि तापमान पर निर्धारित होता है। 7 से 9 दिन इसकी प्यूपल स्टेज होती है, जिसमें यह पत्तियों के छोर पर या मिट्टी में कोकून के रूप में रहता है। टूटा की नवजात इल्ली 0.5 mm यानी कि आधे mm की होती है, जो एडल्ट स्टेज में 4 से 5 mm तक की हो जाती है। इसकी मादा 250 से 260 अंडे तक दे सकती है, जो कि पत्ती के निचले हिस्से पर रखती है। इन अंडों में से लार्वा निकलकर पत्तों, तनों और फलों को निशाना बनाते हैं। ये लार्वा सुबह सुबह और शाम के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। टूटा के अंडे 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सबसे ज़्यादा लार्वा बनाते हैं। 27 डिग्री के ऊपर लार्वा की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। 10 डिग्री से नीचे भी लार्वा बहुत कम बनते हैं। अंडे से निकलने के बाद लार्वा करीब 1 से 1.5 घंटे तक पत्ती के बाहर ही रहता है, जो कि सामान्यतः सुबह सुबह का समय होता है। इस समय इसको मारना सबसे ज़्यादा आसान होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अनियंत्रित होने पर यह टमाटर की फसल को 100% तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसे नियंत्रित कैसे करें। टूटा एब्सोल्यूटा एक जेनेटिकली स्मार्ट कीट है और बहुत जल्दी ही केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस बना लेता है। इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह चार्ट हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताता है। पहला पॉइंट देखें, क्रॉप रोटेशन। टूटा टमाटर वर्गीय फसलों में ही पलता है, इसलिए फसल चक्र को अपनाकर हम इसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हेल्दी नर्सरी प्लांट। स्वच्छ इंसेक्ट नेट में नर्सरी को तैयार करना भी इसके नियंत्रण में मदद करता है। तीसरा है स्टिकी ट्रैप। यह भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में टूटा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ब्लैक स्टिकी ट्रैप इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़मीन से 1 फीट ऊपर ट्रैप लगाने से यह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फसल लगने के पहले इसका उपयोग करके खेत में टूटा की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पर याद रखें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका इस्तेमाल करेंगे तो ही फायदा होगा। टूटा की मक्खी रात में ही अंडे देती है, इसलिए लाइट ट्रैप भी मददगार होते हैं। छठा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में मित्र कीटों का इस्तेमाल करके टूटा को कम किया जाता है। सातवां है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। टूटा का प्रकोप कम रखने के लिए नाइट्रोजन की अधिकता से बचना चाहिए। आठवां है फिजिकल कंट्रोल। जमीन की गहरी जुताई कर जमीन को धूप दिखाकर टूटा के प्यूपा की संख्या को कम किया जा सकता है। खेत में टमाटर के पुराने पौधों को भी पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। चलती फसल में टूटा ग्रसित पत्तियों एवं फलों को भी हटाना जरूरी है। नौवां है बायोपेस्टिसाइड कंट्रोल। बैसिलस थुरंजिसिस का टूटा एब्सोल्यूटा पर ठीक असर है। नीम तेल भी टूटा को नियंत्रित करने में मदद करता है। जमीन पर नीम तेल का स्प्रे करके टूटा के प्यूपा की संख्या भी नियंत्रित की जा सकती है। दसवां है पेस्टिसाइड कंट्रोल। पेस्टिसाइड का सही इस्तेमाल टूटा को कंट्रोल करने का सबसे सटीक उपाय है। टूटा को नियंत्रित करने वाले जो पेस्टिसाइड हैं वो इस चार्ट में दिए गए हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं किस दवा का टूटा पर कितना असर है। सबसे ज़्यादा असर कोराजन का है। यह मित्र कीटों को भी कम से कम नुकसान पहुँचाता है। स्पिंटर और डेलीगेट भी अच्छा काम करते हैं, पर मित्र कीटों को यह नुकसान पहुँचा सकते हैं। प्रोक्लेम अच्छा नियंत्रण देता है और मित्र कीटों पर कम हानिकारक है। इंट्राबिट भी काफ़ी अच्छा है, पर मित्र कीटों को नुकसान हो सकता है। एबामेक्टिन और एजाडायरेक्टिन भी ठीक काम करते हैं और बदल बदल कर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टूटा को नियंत्रित करने के लिए स्प्रे के लिए सुबह का समय सबसे अनुकूल है।
हाई वॉल्यूम स्प्रे या ज्यादा पानी से स्प्रे करना बेहतर है। पूर्ण विकसित फसल पर एक एकड़ में 300 से 400 लीटर पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। पेस्टिसाइड को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की समस्या से भी बचा जा सकता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप टूटा एब्सोल्यूटा का निवारण कर सकते हैं। यह जानकारी मैंने अनुभव एवं स्वयं की रिसर्च के आधार पर दी है। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने एग्रोनॉमिस्ट से जरूर सलाह लें। जानकारी पसंद आने पर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।